गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स में चैप्टर 5, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर मैथ्स वर्कबुक, आपकी मैथ्स की वर्कबुक निकालो। उसमें लास्ट में कल हमने क्या किया था, चैप्टर 5 में पेज नंबर 106 वाला लास्ट में किया था, ये काउंटिंग वाला, मैच वाला, सर्कल वाला वो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 107 निकालो। देखो उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन 13, काउंट एंड पुट सर्कल अराउंड द करेक्ट नंबर, यानी इसमें आपको पिक्चर्स काउंटिंग करने हैं और सामने शो वाला करेक्ट वाला सही वाला नंबर है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। तो देखो हम काउंटिंग करते हैं। देखो आपको भी आपकी बुक में, आपकी वर्कबुक में, मैथ्स की वर्कबुक में ध्यान रखकर काउंटिंग करना है, अच्छे से फास्ट फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे वन 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 ऐसे बारी बारी करते जाना है। ओके तो चलो, किसका पिक्चर दिया हुआ है इसमें आपको, विच पिक्चर दिस, पोमेग्रेनेट। तो चलो तो काउंटिंग करो, तो हाउ मेनी पोमेग्रेनेट, 1 2 3, आपको आपकी वर्कबुक में काउंटिंग करते जाना है मेरे साथ ही, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं, 1 7 17। तो 1 7 17 इसमें कहाँ लिखा है, तो उसके ऊपर सर्कल, 1 7 17 में सर्कल ऐसे। आया समझ में, फिर विच पिक्चर दिस, पपैया, हाउ मेनी पपैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10। तो यहाँ 10 के ऊपर सर्कल। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रेप्स इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है, 12, 1 2 12। तो 12 कहाँ लिखा है, यहाँ पर, तो उसके ऊपर सर्कल। फिर नेक्स्ट, एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हैं, 1 9 19। तो यहाँ पर 19 के ऊपर सर्कल, ऐसे आपको काउंटिंग करते जाना है और साथ में सर्कल बना देना है। फिर नीचे देखो क्वेश्चन 14, काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स, इसमें आपको काउंटिंग करना है और बॉक्स में जो वाला नंबर सही है वो लिखना है। तो चलो हम काउंटिंग करते हैं। देखो आपको याद होगा लास्ट में हमने बिट्स वाला काउंटिंग किया था ऐसे, इसके जैसा ही है पर थोड़ा सा इसमें पिक्चर आपको अलग दिए है, राइट। यहाँ पर आपको स्टिक दी है फर्स्ट में, तो देखो ये जो है वो बंडल में है, यानी वो ग्रुप में है। तो जो ग्रुप में होती है वो कितनी होती है, 10। हमने पहले भी इसे समझ लिया था कि जैसे कि ये ग्रुप में है तो ग्रुप में कितने होते हैं, 10। तो देखो 1 10 1 10, और वंस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वंस, 1 10 and 4 वंस, 1 4 14। फिर नेक्स्ट 1 10, ये पूरा 1 10, इसमें आप काउंटिंग करोगे तो 10 ही होंगे, फिर भी एक बार हम कर लेते हैं, 1 2 3
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. वन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वंस वन सिक्स सिक्सटीन. फिर नेक्स्ट वन टेन और वंस कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन टेन्स एंड एट वंस, वन एट एटीन. फिर यहाँ पर वन टेन और वंस कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री वंस. वन टेन थ्री वंस, वन थ्री थर्टीन. आया समझ में? देखो फिर टर्न द पेज, पेज नंबर 108 निकालो, उसमें देखो. अंडरस्टैंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. तो देखो ये असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ. असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग में कैसा होता है, सबसे पहले स्मॉल, उससे भी, उससे भी, उससे भी, उससे भी, ऐसे स्मॉल बिग 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 ऐसे. और डिसेंडिंग में कैसा होता है, डिसेंडिंग में उल्टा होता है, सबसे पहले बिग वाला, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, ऐसे बिग स्मॉल 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 ऐसे. और असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉल बिग बिग बिग, स्मॉल टू बिग. असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉल टू बिग. और डिसेंडिंग में क्या होता है, उल्टा होता है, बिग टू स्मॉल. देखो इसमें आपको दिया हुआ है, अब ध्यान से इसमें देखो वर्कबुक में मेरे साथ. यहाँ पे 11 असेंडिंग में देखो, ये असेंडिंग वाला दिखाया ना, वो अभी आप मैं आपको समझा दी. 11 फिर उससे भी 12, उससे भी 13, फिर उससे भी 14, ऐसे ऊपर 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 स्मॉल बिग 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 ऐसे. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. और डिसेंडिंग में उल्टे से शुरू होता है, पहले सबसे बिग वाला, बिग स्मॉल 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 ऐसे बिग टू स्मॉल. तो देखो बिग सबसे पहले बिग वाला 20, फिर उससे स्मॉल 19, उससे स्मॉल 18, उससे स्मॉल 17, उससे स्मॉल 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11. आपको समझ में आया होगा कि आपको शॉर्ट ऐसे याद रखना है इजीली कि असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉल वाला, फिर बिग 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 स्मॉल टू बिग. और डिसेंडिंग में कैसे, सबसे पहले बिग वाला, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल, बिग टू स्मॉल, और असेंडिंग में स्मॉल टू बिग, राइट. तो अभी हम करेंगे नीचे पेज नंबर 108 में. क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंस्ट्रक्शन, आपकी वर्कबुक में लिखा है वो ही. यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं असेंडिंग, यानी स्मॉल टू बिग वाले. पहले आपको देखना है और बाद में आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है, शांति से पहले समझ लेना है. सबसे पहले ऊपर वाला क्या लिखा है, 11
उसके बाद लिखा है ट्वेल्व, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, स्मॉल टू बिग वाला लिखना है आपको, इलेवन फिर ट्वेल्व, ट्वेल्व से बिग थर्टीन, राइट, फिर थर्टीन से बिग वाला फोर्टीन, ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, स्मॉल बिग 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 बिग, ऐसे फोर्टीन के बाद फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन, राइट, फिर यहाँ पर नीचे फिफ्टीन सिक्सटीन, फिर सेवनटीन एटीन नाइनटीन टू जीरो ट्वेंटी, फिर देखो पास में
अभी नंबर 17 क्या लिखा है? राइट की असेंडिंग ऑर्डर। अभी फिर से असेंडिंग, ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ध्यान से देखने हैं। फोटोग्राफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।